नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। आपके सामने उपस्थित हूँ मैं अनामिका दुबे। हाल ही में अभी हमारे देश में पुलवामा हमले में 40 सैनिक शहीद हुए। आज हम घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, हर त्यौहार का उत्सव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जिसकी वजह है बॉर्डर पर तैनात हमारे सैनिक। ये अमर नौजवान जो हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बरगद की छाया की तरह काम कर रहे हैं। मैं चार पंक्तियां कहना चाहूँगी। नहीं रोना कभी तुम शहीदों की माँ, लाल मरकर भी तेरा अमर हो गया। खुशबू बनकर के कीर्ति उड़ेगी जहाँ, माता धरती के रण से उरिन हो गया। अभी कल आप लोगों ने देखा ही होगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान जी ने हमारे देश को खुली चुनौती दी है। उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि हम चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे बीच आज हमारे रीवा ज़िले के कई समाजसेवी, राजनीतिक और कुछ युवा छात्रा भी हैं, मैं आज हम उन सभी से पूछूंगी कि क्या चूड़ी पहनने वाली महिलाएं कमज़ोर होती हैं? क्या चूड़ी पहनने वाली महिलाएं देश के लिए लड़ नहीं सकती? क्या चूड़ी पहनने वाली महिलाओं को इतना कमज़ोर मान लिया जाता है कि वो हर बात में यही कहा जाता है कि क्या हम चूड़ी पहनकर बैठे हैं? तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे जी से। किस विषय पे आप क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं देश के लिए शहीद हुए 44 नौजवान सैनिकों को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पूरी मानवीय संवेदना पूरे देश के 131 करोड़ आबादी की उनके साथ है। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रियली जो बात अनामिका कह रही थी कि क्या हमने चूड़ी पहनी है, ऐसा लग रहा है कि ये देश 131 करोड़ जनता ने चूड़ी पहन ली है। कल जब इमरान खान टीवी पर गुर्रा रहा था तो सचमुच हमें गुस्सा आ रहा था। पिछले 4.5 वर्ष में लगभग 5,000 से ऊपर सैनिक शांतिकाल में शहीद हुए। युद्धकाल होता है तो बहुत स्वाभाविक सी बात होती है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान हमारे ऊपर चढ़ा चला आ रहा है? विगत 4.5 वर्षों में लगभग 1000% तेज गति से उन्होंने लगातार हमारे पर आक्रमण किए और हम मरते चले गए। हमारे घर में घुस के जब पाकिस्तान मारता है तो हमें बड़ा दुख होता है, लगता है कि वास्तव में हमने चूड़ी पहन ली है। तो आज आवश्यकता है कि हमारे देश की सरकारों को, जो हमारे नेतृत्व करते हैं और जनता को प्रतिनिधित्व देते हैं, उनको अपनी चूड़ियाँ उतार देना चाहिए और जाके रण में ललकारना चाहिए और इमरान खान जैसे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तभी इस देश के 131 करोड़ जनता के जो आंसू, खून के आंसू बहा रही है, तभी इनके आंसू बहेंगे और तभी हमारा दुख समाप्त होगा। निश्चित रूप से ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आइए जान लेते हैं हमारी वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमती अलका तिवारी जी से। पिछले हफ्ते जो पुलवामा में हुआ वो बहुत दर्दनीय था, बहुत दुख भरा था, लेकिन जहाँ तक कल जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है चूड़ी से संबंधित, तो शायद वह भूल गए हैं कि वह चूड़ी पहनने वाली ही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी उसी दिन की। और उसके बाद जो हुआ एक और युद्ध, कारगिल, मुझे लगता है हमारे देश को उसकी ज़रूरत फिर से है और अब वो वक्त है जब ये होना चाहिए। अब इससे अगर हमने देर किया तो शायद पूरा विश्व ये मान लेगा कि हमने चूड़ी पहन रखी है। आज हमारे देश को कारगिल युद्ध और इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। आइए जानते हैं अधिवक्ता अमिता तिवारी जी से। पहले तो मैं सबसे पहले पुलवामा में हुए शहीद सैनिकों को सादर नमन करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ सभी हम बहनों से कि हमारे ऊपर ये जो आरोप लग रहा है कि हमने चूड़ी पहन ली है, चूड़ी हमारे हिंदुस्तान के परिचायक है, श्रृंगार का, हमारे पतित्व का, हमारे स्त्रीत्व का, ना कि हमारे किसी कमज़ोर होने का, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं। हमने कमज़ोरी के नाते चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं,
हमारा उद्देश्य चूड़ी पहनने का ये रहता है कि हमारा ये श्रृंगार का विषय माने चिन्ह है। और यदि इमरान खान जी को ये लगता है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो आज हुए हैं उनको ये महसूस होता है कि हमने चूड़ी पहन रखी है, तो इसका हम थोड़ा धैर्य रखें, वो इसका जवाब हम करारा देंगे। और जैसा पहले मेरी बहन ने कहा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और पूरी हम चुनौती को स्वीकार करेंगे। ये नहीं है हमारे उद्देश्य कि हम चुनौती उनकी डर जाएंगे। हमने वैसे भी अभी भी हमारे द्वारा खाद्यान्न वगैरह की और जो भी उनके बिजनेस से संबंधित व्यापार है उसको हमने शून्य कर दिया है। 5 जो उनके अलगाववादी उनके सिद्धांत है कश्मीरी को करने वाले, उनके बारे में हमने ये निर्णय लिया है कि उनको हम कोई सुरक्षा नहीं देंगे। इतना सब होने के बाद में भी यदि अब ऐसा लगता है कि हमें युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी, तो हम बहनें, हम स्त्रियाँ भी इसके लिए पुरजोर से पूर्ण कोशिश के साथ ये आज हम वादा करते हैं अपने देश के साथ, अपने साथ, कि हम उन शहीद भाइयों के साथ अपने को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। महिलाएं भी आज युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं, महिलाएं भी पूरी एड़ी चोटी के साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री जी युद्ध के लिए घोषणा करेंगे, आइए जानते हैं ममता तिवारी जी से, जो कि कांग्रेस महिला कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष है। मैं ये कहना चाहूँगी कि चूड़ी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। बस हम अनुशासन को मानते हैं और अनुशासन में रहना जानते हैं। हम पाकिस्तान की तरह हमारे भारत का नियम कानून कायदा नहीं है और ना हम लोग उस टाइप के लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस वक्त आदेश देंगे, हमारी सेना ही इतनी मजबूत है और उसमें चूड़ी वाली भी हैं। और चूड़ी वाली से बात करें तो हमारे यहाँ की झांसी की रानी चूड़ी पहन के उन्होंने इतिहास बदल दिया था। आज भी इतिहास पढ़ के उठा के देखे वो, तब उन्हें ये पता चलेगा कि चूड़ी वाली नारियाँ कर क्या क्या सकती हैं। चूड़ी वाली नारियां बहुत कुछ कर सकती हैं। और हमारे बीच आज कई सारी युवा छात्राएं भी हैं, मैं बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? आकांक्षा तिवारी। तो आपका क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चूड़ी वाली नारी ही इनके घर में घुसकर इनके दो टुकड़े पाकिस्तान को पाकिस्तान के दो टुकड़े की थी, यही इंदिरा गांधी है। इन्होंने ही चूड़ी पहन के इनके ही घर में घुस के इनके दो टुकड़े किए थे। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इंदिरा गांधी जी जैसे ही सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये शांतिपूर्वक कोई बात सुनने नहीं वाले हैं, हमें सख्त होना पड़ेगा। मेरा नाम शिवानी सोनी है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे जो सरकार है वो ये करे कि जो पाकिस्तान इंडिया में घुस के लोगों को मारता है वो अपनाए, क्योंकि ये पाकिस्तान है, बार बार ये करती है, बार बार लोग शहीद होते हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारे तो हिंदुस्तान तो इतना कम मतलब इतना ज़्यादा वो है कि नहीं करता, कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन उनको करना चाहिए, ये चीज़ उनको मानना चाहिए और ये चीज़ आज साबित करें कि उन्होंने पाकिस्तान ने जो किया, गलती की है, उनको सुधारें और दोबारा ऐसा कभी ये चीज ना हो। क्योंकि जो लोग भी शहीद हुए हैं अभी, जैसा होता है पाकिस्तान को फुली छूट मिली हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग ऐसा नहीं करते। तो उनको ये समझना चाहिए कि हम लोग जब आपके ऊपर नहीं कर रहे तो आपको भी ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमारे देश के सैनिकों को खुली छूट मिलनी चाहिए। मेरा नाम रिचिता तिवारी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारे बॉर्डर पे हमारे भाई हैं उनको तो पहले श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। उसके बाद ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी पुलवामा में हमला हुआ है उसके बदले हमें बदला लेना चाहिए। आपका क्या कहना है? मेरा नाम ज्योति पांडे है। और ये जो सैन्य हम लोगों को कोलगामा में सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए सबसे पहले श्रद्धांजलि, और इनका जो जो सैनिक शहीद हुए हैं तो हमारे प्रधानमंत्री का ये हमारे प्रधानमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए ये ज़रूर ईंट का जवाब ये पत्थर से दें। और पाकिस्तान का ये हमेशा कहे, जब प्रधानमंत्री हमारे इधर के छूट देते जो रहते हैं तो पाकिस्तान ये हमेशा भूल जाती है कि हम बदला नहीं ले पाते, बदला लेती रहती है, कहती रहती है, क्योंकि उसको आसानी से छूट मिलती रहती है। और ये छूट हमारे प्रधानमंत्री को नहीं देनी चाहिए, जो कि हमेशा पाकिस्तान भूल कर बैठती है और हमारे प्रधानमंत्री उसको छूट दिए रहते हैं। ऐसे छूट नहीं देनी चाहिए हम लोगों को। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए ज़रूर। मेरा नाम नीलम नजक है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान को ईंट से पत्थर का जवाब देना चाहिए। मेरा नाम पंपी बोरा है। उन शहीदों को श्रद्धांजलि दे और उनका जवाब ईंट का पत्थर से दे। मेरा नाम किरण त्रिपाठी है। पहले तो मैं शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ
और मेरा कहना ये है कि पहले तो जैसे पाकिस्तान हमारे साथ कर रहा उसी तरह हमें करना चाहिए। आई नहीं मैं मत पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद इमरान खान मुर्दाबाद। मैम जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे उसमें महिलाओं के हाथों में चूड़ियों पहनने के लिए, मैम हमारे पास भी चूड़ियाँ एक हथियार भी हैं, अगर वो हमारे लिए श्रृंगार हैं तो वो एक हथियार भी हैं। निश्चित रूप से अगर चूड़ियाँ हमारे लिए श्रृंगार है तो वो हमारे लिए हथियार भी हैं। क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे भारत सरकार को कठोर से कठोर फैसला लेना चाहिए और जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए भारत को कुछ करना चाहिए। नमस्कार, मैं यही कहना चाहती हूँ जो शहीद वो हुए हैं तो उनके लिए मैं सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम औरत चूड़ियाँ पहनने वाली कमज़ोर नहीं है बल्कि एक हिम्मत है, हथियार है। बस हो गया। सभी का ये कहना है कि हम औरत चूड़ियाँ पहनने वाले कमज़ोर नहीं हैं, हमारा वो हथियार है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या अभी तक माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस विषय में क्या निर्णय लिया है। आइए एक बार फिर रुक करते हैं कविता पांडे जी की ओर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत में जब भी युद्ध हुए हैं और लोगों आतताइयों ने हमारे ऊपर जब भी आक्रमण किया है तो महिलाओं ने निकल के मुंह तोड़कर जवाब दिया है। याद कीजिए दुर्गा काली चंडी, शुंभ निशुंभ, मधु कैटब, उसके बाद 1857 की क्रांति की प्रणेता लक्ष्मीबाई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी का याद कीजिए कि जब 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण की हिम्मत की थी, दो टुकड़े में पाकिस्तान को फाड़ा था और 91,000 सैनिकों का अस्त्र शस्त्र धराने वाली वो महिला दुर्गा थी, इंदिरा जी थी। आज आवश्यकता है हमारे देश को इंदिरा गांधी जैसे मजबूत नेतृत्व की, जो खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी की एक तरीके से पुत्री है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कठोर निर्णय लें। वो कहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, ये बड़ा ज़ोर ज़ोर से कई बार वो चिल्लाया करते हैं। हम लोग सोचते हैं 56 इंच का सीना होता क्या है। 56 इंच का सीना लेके वो पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ की माता जी को अपने हाथ से आम खिलाया, उनको शॉल उड़ाई और बड़े प्रेम से गले मिले। तो क्या 56 इंच का सीना ऐसा ही काम करता है कि अपने दुश्मनों की माँ को हम आसमान में बैठाएँ और अपने 44 सैनिकों की हम आज स्थिति यह है कि 44 हमारे जो शहीद गए उनकी पत्नियां विधवा हो गई, उनकी बहनों अपने किस भाई को राखी बांधेंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए, कई सारे सैनिकों की पत्नियां उसमें से गर्भवती हैं जिनका 21 साल विवाह हुआ था। तो मुझे दुख और हैरानी है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सटम साठे समाचारित, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। तो इस पाकिस्तान की दुष्ट सरकार को ईंटों का जवाब पत्थर से दो मोदी, और नहीं तो ये भूल जाओ कि तुम 56 इंच का तुम्हारा सीना हो। कहोगे तो रीवा वाली ये जो तमाम मर्दानियाँ खड़ी हैं और दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान को, और इनको करारा जवाब दिया जाना चाहिए। जब तक ये अच्छे से नहीं पाएंगे प्रसाद तब तक ये किसी कीमत पर सुधरेंगे नहीं। आप कारगिल युद्ध याद करो, 1971 का युद्ध याद करो, और ये इसके बाद ये इतने बड़े बेशरम हैं कि ये 2-4 साल में इनको भूल जाता है कि हमने कितनी लातें भारत से पाई थी। तो ये याद दिलाने की इनको आवश्यकता है। और मोदी जी बड़े डरपोक किस्म के नेता हैं, वो बातें तो बड़ी बड़ी कहते हैं, कहते नहीं थोता चना बाजे गना, तो 56 इंच बताते रहते हैं। कभी कभी अपनी कमर का, कभी सीने का साइज उनको बताने का बड़ा शौक है, पर जहां उनको साइज दिखाना चाहिए वहां वो उनके साइज बड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, बड़े दुख की बात है। तो आज यदि कल जब इमरान खान दहाड़ रहा था टीवी में तो हम लोग का मन कर रहा था कि टीवी को फोड़ दूं और ये जो बेशरम आदमी चीख रहा है इसको हम लोग तुरंत के तुरंत दुरुस्त करें। ये महिलाओं के बारे में बोल रहा था और कह रहा था कि लड़ाई तो शुरू की जा सकती, याद करो पाकिस्तान और याद करो तुम इमरान खान कि लड़ाई तुमने हमेशा शुरू की है लेकिन उस लड़ाई को ख़त्म हमेशा भारत ने किया है। 1971 याद कर लो, कारगिल याद कर लो, और आज जो लड़ाई तुमने शुरू करी उसका खात्मा भारत करेगा, ये बात तुम जान लो। और तुमने जो नाजायज औलादें अपनी पैदा करके छोड़ी है
और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अटल बिहारी सरकार में जसवंत सिंह हुआ करते थे विदेश मंत्री, इन्होंने इस जैसे मोहम्मद का जो ये नेता था जिसने अभी जहीर अहमद करके इसने अभी जो नेतृत्व किया और हमारे 44 सैनिकों को मारा, यदि ये ले जाके काबुल न छोड़े होते तो आज ये दुष्ट जिंदा न बचता। ऐसे जो आतंकवादी पकड़े जाएं इनको तुरंत गोली मारनी चाहिए, इनको सरकारी दामाद बना के 9-9 करोड़ की बिरयानी खिलाई जाती है और ये और दामाद मुस्टंडे होके पाकिस्तान दोबारा जाते हैं और वो वापस आके। ठीक है कविता जी, हम आते हैं आपके पास फिर से। जहाँ तक है क्रिया और प्रतिक्रिया की बात, तो हमारा शासन प्रशासन आम जनता सभी के अंदर प्रतिक्रिया है, सभी के अंदर रोष है और शायद कल इमरान खान का जो स्टेटमेंट आया है वो उसी की एक प्रतिक्रिया है, उसी का एक डर है। उन्होंने शायद ये भाप लिया है कि अब उनको भारत से क्या मिलने वाला है या भारत अब क्या करने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री जी युद्ध की घोषणा करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा है वो भावनाएं सच्ची हैं और जो हमारे देश की पूरे भावना है, चूँकि वो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, उस भावना से ऐसा उनका कोई भी सरोकार है तो वो ज़रूर करेंगे। और इस कार्य को करने से पहले, युद्ध स्टार्ट करने के पहले, हम सभी का ये मानना है, लगभग हमारी जितने लोगों से भी इस दौरान बात हुई है पिछले 5 दिनों में, सबका मानना है कि सबसे पहले धारा 370 बंद होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए, ताकि धारा 370 की आड़ पे जो ये खेल खेला जा रहा घिनौना वो बंद हो सके और हमारे जो वाकई भटके हुए नौजवान हैं वो हमारी तरफ आ सके और जो बने हुए भटके नौजवान हैं उनका अंतिम संस्कार हो सके या वो वापस अपने घर पाकिस्तान जा सके। तो ममता तिवारी जी, क्या धारा 370 खत्म होनी चाहिए, इस विषय पे आपका क्या? निस्संदेह खत्म होनी चाहिए, क्योंकि धारा 370 का ही सहारा लेके खा खा के मुजडंडे यहाँ की सारी चीज़ें जाती हैं, उनको सस्ते रेट पे दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक निकम्मा व्यक्ति क्या करेगा, उनको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए सारे काम सारी फैसिलिटी सारी चीज़ें जब यहाँ से हो रही है तो वो काम नहीं करते, कभी पत्थर मारते हैं कभी कुछ करते हैं, फिर भोले बच्चे बन जाते। कौन सा तरीका है भाई कि जब हमारे सैनिक जाते हैं तो वो पत्थरबाजी करते हैं, उसके बाद वहाँ से कहती महबूबा जी कहती है कि भाई वो तो बच्चे हैं। ये क्या बच्चे हैं, पत्थर किसी को पूछ के लग रहा है? भारत सरकार को मजाक बना रखा है आपने, सारी चीज़ें सारी ज़रूरतें आपकी हम पूरी करते हो, उसके बाद हम हमारे सीने में पत्थर मारते हो, हमारे सैनिकों को मार रहे हो, हम तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं, समझ गई? अब अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए तो आप चले जाओ पाकिस्तान, खाली कर दो भाई कश्मीर, खाली करो, झंझट खत्म हो जाए। जब सारी तरीके हमारे यहाँ के हैं, सारी चीज़ आपको हमारे यहाँ से भारत से इन्वॉल्व होगी, तो हमें लगता है कि आपको सारे नियम कानून तौर तरीके आपको भारत के मानने ही होंगे। मैं आप इसे एक बात और कहना चाहूँगी नामके जी, आपको याद होगा कि जिस दिन शहीद हुए वहाँ पर श्रीनगर से, शहीदों के सम्मान में हमारे गृह मंत्री जी वहाँ से लाशें लेने जाते हैं, महबूबा मुफ्ती जी दो फूल लेके नहीं आती हैं वो, भाई हमारा आपका कैसा संबंध है? सारी चीज़ हम आपको क्यों करें? जब सब कुछ करते आप मेरे लाश पे, हमारे 40 नौजवान आपके यहाँ से आपके वहाँ घुसपैठियों ने मरवाया, उसके बाद भी आपने दो फूल चढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। चलिए ठीक है, हम आपके पास दोबारा आते हैं, चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। महिलाओं लड़कियों के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल्या योजना के अंतर्गत मुफ्त में शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर से पार्लर का कोर्स करके अपने घर पर स्वयं का व्यापार संचालित करने का सुनहरा मौका, स्वावलंबी बनने का सुनहरा अवसर। आज ही संपर्क करें फ्रेश लुक ब्यूटी एकेडमी, पता याद रखें गुलफाम कॉम्प्लेक्स, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक के सामने, आखिरी टाकीज मोड़ के पास, रीवा। हमारा फोन नंबर 9993471930 एवं दूसरा नंबर 9685301655। नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर सारा देश आक्रोशित है और उसका एक एक उदाहरण हमें यहाँ भी देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर सभी महिलाएं एक साथ एकत्रित होकर के बता रही हैं कि चूड़ियाँ हमारी ताकत है ना कि कमजोरी, श्रृंगार के साथ हम इसे हथियार बनाकर भी आगे युद्ध में खड़े हो सकते हैं, बस हमें इंतज़ार है तो हमारे प्रधानमंत्री के एक फैसले का। इसी के लिए चलते हैं हम आगे, कार्यक्रम को बढ़ाते हुए रुक करते हैं। मैम आप बताइए, क्या कहना आपका इस बारे में? इसमें अभी हमने बात करी है कि हमारा चूड़ियाँ कोई हमारा श्रृंगार नहीं, हथियार है, लेकिन साथ में हमारे साथ में अभी ये बातचीत चल रही थी उसको आगे मैं बढ़ाती हूँ कि धारा 370
तो कॉन्स्टिट्यूशन में 370 का जो ये फ़ायदा जम्मू कश्मीर में मिल रहा है सारे आतंकवादियों को, खाद्यान्न की उपलब्धता, पढ़ाने हथियारों की सुरक्षा, उनके खान पान, रहन सहन, शिक्षा, और उनको विदेशी शिक्षा का फ़ायदा, यहाँ भी आके वो शिक्षा मुफ्त में ले सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी कंसीडर्स हैं, काफ़ी उसमें उनको काफ़ी लाभ मिला हुआ है, जो कि बंद करना चाहिए। तो धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए मोदी सरकार को? हाँ, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इसी तरीके से वो उसका फ़ायदा लेते रहेंगे तो वो तो निकम्मे हो जा रहे हैं, और निकम्मेपन का फ़ायदा उठा के वो खाली बैठ के क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक क्रिएटिव वर्क ना करके डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं। मैम, हमारे देहात में एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो माना जा सकता है कि कश्मीरियों के पास अब यही रह गया है, वो लोग यहाँ से हम उनको सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं और वो खाली बैठ करके सिर्फ आतंक के मुद्दे, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और जिसका हमें ही कहीं ना कहीं दुष्परिणाम हमें ही देखने को मिलता है, और हमें अपने शहीद गंवाने पड़ते हैं, अपने सैनिकों को गंवाना पड़ता है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी धारा 370 के बारे में? बिल्कुल, धारा 370 ख़त्म कर देनी चाहिए। जैसे मैंने अभी इसके पहले भी इसके बारे में स्ट्रांगली बात की, इसके साथ साथ शिक्षा है, स्पोर्ट्स है, ऐसी क्रिएटिव चीज़ों की तरह वहाँ के यूथ को लाना चाहिए। जो इस पर पार्टिसिपेट करते हैं उनका दिमाग ये जो आतंक का नशा है इससे बाहर आएगा, और जो नहीं करते हैं इस्तेमाल उसका, जो उस पर आगे नहीं बढ़ते हैं, उससे साबित हो जाएगा कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है। और ये अब पहचान बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा है और कौन हमारा नहीं है, किसे हमें साथ लेके चलना है और किसे हमें ज़मीन में गाड़ना है। मोदी सरकार ने शायद बहुत सारी कोशिशें की, उनका पाकिस्तान दौरा हम किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उन्होंने जो शॉल गिफ्ट की और वो सारी चीज़ें, शायद वो चाहते थे मित्रता आगे बढ़ाना, लेकिन अब उन्हें भी समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान मित्रता के लायक ही नहीं है, उससे सिर्फ शत्रुता की जा सकती है, और उस रिश्ते को अब हमें कायम करना होगा और हमें शायद युद्ध का ऐलान करना होगा, और उसकी शुरुआत कश्मीर से होगी धारा 370 को ख़त्म करके। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? मेरा सिर्फ सबसे बड़ा आग्रह हमारे भारत सरकार से यही है कि धारा 370 टोटली हटा ही देनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। और इनको मित्रता, रही बात पाकिस्तान की मित्रता की, भाषा उन्हें समझ में नहीं आती। हमें लगता है 70 से आज तक हम लोग वही भाषा उनको समझाते आ रहे हैं, बार बार हम कबूतर उड़ा रहे हैं, सारे पंचायतें चल रही, लेकिन अब है अहम फैसले का वक्त है। एक बार उन्हें बता देना चाहिए कि चूड़ी क्या होती है और मर्द कितने हैं और सैनिकों में क्या हमारी क्षमता है, क्योंकि जब जब हमारे यहाँ युद्ध हुआ है तो इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। मुझे याद है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार जब युद्ध हुआ था तो 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे, उन्हें वो इतिहास दोहराना चाहिए। हमारा निवेदन यह है भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि नोट और सिक्के बदलने से इतिहास नहीं बनाना, अगर क्षमता रखते हैं इतिहास बनाने की तो लगा दीजिए, एक बार इतिहास बना दीजिए, विधिवत चढ़ाई करवा दीजिए। मुझे भरोसा है हमारे यहाँ के सैनिकों में इतनी क्षमता है कि सिर्फ उन्हें फ्री हैंड छोड़ दे, और बहुत दिनों के लिए नहीं, सिर्फ 3 दिन के लिए फ्री हैंड छोड़ दे, नामों निशान इतिहास से ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान का, ये मेरा वादा है, भारत की नारी बोल रही हूँ। पाकिस्तान की सैनिक क्षमता और भारत की क्षमता किसी से अनदेखी अनछुपी नहीं है। हम सभी को पता है कि अगर युद्ध का ऐलान होता है तो भारत निश्चित ही जीत हासिल करेगा, और पाकिस्तानी 2 दिन भी भारत के सैनिकों के सामने नहीं टिक पाएंगे। लेकिन क्या मोदी इस क्षेत्र में कोई कड़ा फैसला लेंगे? अब वो देखने लायक होगा। रीवा की नारियाँ तो एक बार अपनी आवाज़ बुलंद कर चुकी हैं इस फील्ड में। मैम, आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? लगातार जब भी पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ कोशिशें की हैं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है। हमारा ऐसा मानना है कि यदि दोबारा लड़ाई हुई तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी, और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो नक्शा ही विश्व के भूगोल से समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा हमारी जो सरकार है उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की बड़ी कमी है। 8,500 पत्थरबाज जो हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते थे, उसमें उनको महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की महबूबा, दोनों ने मिलकर 8,500 पत्थरबाजों के केस वापस लिए। एक बार सैनिकों ने एक पत्थरबाज को अपनी गाड़ी के सामने बांध दिया था तो दुनिया भर उस सैनिक के खिलाफ कार्रवाई हुई, उन दुष्टों के खिलाफ नहीं कार्रवाई हुई। तो आप जब आतंकवाद को खुद प्रश्न कर रहे हो, वो 8,500 पत्थरबाज वापस गए, पुनः आतंकवादी बने, अब तुरंत हमारे देश के सैनिकों के खिलाफ लगातार कोशिशें करी, जब भी लड़ाई हुई है हम ही जीते हैं, अब पाकिस्तान को ये बात मालूम है। आंतरिक जो उन पाकिस्तान का सिस्टम है,
आर्थिक रूप से पूरी तरह सिस्टम कोलैप्स है, उनके पास ना तो ठीक से खाने का, सोशल सर्विसेज ख़त्म है, महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार है। तो जब भी वो चाहते हैं कि हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स है, तो वो भारत में हमला करके अपना ध्यान बांटना चाहता है और वो करने में बड़ा कामयाब होता है। अभी कुछ दिन पहले जम्मू में हमारे जो सैनिकों के बंकर्स थे, उसमें ये घुस के मार के चले गए। मुझे हैरानी इस बात की है कि हमारा इंटेलिजेंस कैसा है। 350 किलो विस्फोटक लाद के एक गाड़ी हमारे देश में पुलवामा में घुसती है और ठोकती हुई और चली जाती है, और हमारा 50 हमारे सैकड़ा सैनिक मारे जाते हैं। उस 5 गाड़ियाँ उसमें थी, 4 बुलेट प्रूफ थी, 5वीं बुलेट प्रूफ नहीं थी। उसको टारगेट करते हैं और मार देते हैं। एक सवाल है कि जैसे अभी तक तो मांग होती रही है, निश्चित ये मांग काफी समय से, कि हमारे सभी सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ चाहिए, तो फिर ये कैसा है कि मतलब एक सैनिक को 4 गाड़ियाँ हैं और एक नहीं है, क्योंकि सभी वो एरिया ऐसा है ना, वो तो सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव, एग्जैक्टली राइट। 5 गाड़ियां थी, 4 बुलेट प्रूफ थी, एक नहीं थी, और उसी में अटैक हुआ। उन आतंकियों को पता कैसे पता चलता है कि वही गाड़ी बुलेट प्रूफ। मैं यही कह रही हूँ कि पूरी तरह हमारी केंद्र सरकार, मोदी सरकार का पूरा फेल्योर है। दूसरी बात, सीआरपीएफ ने ये कहा था 2017 में कि हमें हवाई यात्रा की सुविधा दी जाए, तो हमारी इसी मोदी सरकार ने, इसी 56 इंच के सीने ने ये कहा कि हम इनको सुविधा नहीं देंगे। आज भी फाइल डंपिंग यार्ड में पड़ी हुई, तो यदि इनको हवाई यात्रा मिली होती तो शायद ये 44 जवान हमारे बीच होते और आज हम सब यहाँ पर बैठकर महिलाएं खून के आंसू नहीं रोती होती। तो हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है? हमारे देश में 50 किलोमीटर के अंदर विदेशी घुसता चला आता है। विस्फोटक इतना भी यदि आप यहाँ से यहाँ चले जाओगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। कैसी इंटेलिजेंस है कि 350 किलो विस्फोटक लदा एक गाड़ी आती है और धड़ाक से मारती है, कैसे घुस आई? तो ये जो यक्ष प्रश्न है, इनका जवाब हमें मोदी कहीं ना कहीं हमारे सैनिकों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी हमारी सरकार चूक कर रही है, खिलवाड़ कर रही है, मजाक बना के रखा और यही स्थिति रही। तो ये देश की जो नारियां हैं, जो बच्चे हमारे हैं, कौन सैनिक, कौन माँ अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए भेजेगी, मरने के लिए भेजेंगे? इतनी बड़ी बड़ी हाथ, एक एक सैनिक 100-100 टुकड़े में बट के लौटा। जब हमारे सैनिकों की पदस्थापना होती है तो इंची नापते हैं, घुटने नापते हैं, आंखें नापते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके, तब सैनिक बोलता। और आज हमारा लड़का तो तुमने 5-10 फिट का लिया और तुमने टुकड़ों टुकड़ों में बांट के हमें लौटाया। कौन माँ अपने बच्चे को टुकड़ों टुकड़ों में बटा होकर लेगी? तो आज स्थिति बेहद खराब है। हम लोग गमगीन आंखों से क्रोध में है, गुस्से में है, और जला आया हुआ हमारे करेजा में कि हम इस सरकार को, पाकिस्तान वाले तो दुष्ट हैं ही लेकिन हमारे वाले कम नहीं हैं। इन्होंने हमारे सैनिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और इन्होंने मारा है। मैं मोदी जी को साफ साफ कहती हूँ कि तुमने हमारे सैनिकों की हत्या की है, तुम दोषी हो। और आज 4 दिन घटना के होने आए, अभी तुम्हारे हाथ में ढाल तलवार नहीं निकल के आई, भाषण दे रहे हो टीवी में, निंदा कर रहे हो, भर्त्सना कर रहे हो, क्या इसी दिन के लिए हमारा सैनिक है? मैं बेहद दुखी हूँ और दुखी होके भारत की नारियों की तरफ से मेरा कहना है कि जाओ, यदि कहते हो कि मैंने देश का, मैं चौकीदार हूँ और मेरा 56 इंच का सीना है, जाओ दिखा के आओ। और नहीं तो जिस दिन 131 करोड़ की आबादी हम पैदल चल दें तो हम पाकिस्तान को खलास करके आ सकते हैं, लेकिन हमको इशारा चाहिए और वो इशारा तुम दे दो, बाकी हम लोग जिंदाबाद होके आएंगे। 44 जवानों की शहादत के बाद सारे देश में गुस्सा है और उसी गुस्से का आपने भी एक जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देखा है। अब हमारी महिलाएं उम्मीद कर रही हैं मोदी सरकार से कि शायद वो इस क्षेत्र में कोई कड़ा फैसला लेंगे जो जवानों के हित में होगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। महिलाओं लड़कियों के लिए खुशखबरी है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कौशल्या योजना के अंतर्गत मुफ्त में शहर के सबसे बड़े ब्यूटी पार्लर से पार्लर का कोर्स करके अपने घर पर स्वयं का व्यापार संचालित करने का सुनहरा मौका, स्वावलंबी बनने का सुनहरा अवसर। आज ही संपर्क करें फ्रेश लुक ब्यूटी एकेडमी, पता याद रखें, गुलफाम कॉम्प्लेक्स, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक के सामने, आकरी टाकीज मोड़ के पास, रीवा। हमारा फोन नंबर 9999371930 एवं दूसरा नंबर 9685301655। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं पुरवाना हमले की ओर। क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि पुलवामा में जो हमला हुआ, हमारे देश में ही कुछ गद्दार हैं कि जो आतंकवादी को घुसने देते हैं, इसीलिए ये हमला होता रहता है।
हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों की इतनी छूट दी जाए कि वो पाकिस्तान में घुस के उन पाकिस्तानियों को ख़त्म किया जाए। हमारा ये कहना है कि वहाँ पाकिस्तान में घुस कर सभी सैनिकों को करारा जवाब देना चाहिए। हमारे इंडिया में एक बार भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो हम लोग यही चाहते हैं कि एक स्ट्राइक फिर हो पाकिस्तान के लिए। हमारे यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है ऐसा कहना है हमारे युवाओं का, और दोबारा भी सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि यदि हमारे मोदी सरकार जी से ये कहना है कि जो हमले हो रहे हैं आतंकियों द्वारा, वो बम यहाँ लाए कैसे जाते हैं और उसको ला के पीठ पीछे वार किया जाता है, यदि वो बार सामने। बड़ा गंभीर विषय है कि जो बम हमारे यहाँ लाए कैसे जाते हैं, ये बड़ी विषय की बात है। बताइए इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सुरक्षा एजेंसियाँ ही ख़राब हैं, क्योंकि अगर सुरक्षा एजेंसियाँ अच्छी होती तो हमारे को पहले ही पता चल जाता कि कब ये RDX आया है। 300 किलो RDX आ गया, हम लोग को पता ही नहीं चला। हमारे सैनिक मर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी झांसी में जाके भाषण देते हैं कि मैं लूँगा एक्शन, लूँगा एक्शन, लूँगा। क्या एक्शन लिया उन्होंने? कुछ नहीं लिया। अगर हम लोग के सैनिकों को दे दिया जाए 30 मिनट की छूट, पाकिस्तान साफ हो जाएगा। ये पाकिस्तान भारत के नक्शे में ऐसा कैंसर के जैसे है कि इसे रेडियोथेरेपी की तरह हटा देना चाहिए। आज हर युवा के अंदर जोश है, सारे युवा यही चाह रहे हैं कि अगर हमारे देश के सैनिकों को अगर एक मौका दिया जाए तो हमारे देश के सैनिक पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आपका क्या कहना है? अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब वाद विवाद का समय ख़त्म हो गया, एक्शन लेने का टाइम है। मैं इसको इस बात से अपनी अभिव्यक्ति देना चाहूँगी इस गीत के साथ जो हमारे देश के लिए है। कर चले हम विदा जाने तन साथियों, अब तो हमारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम विदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस रुकती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाके पन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज वास्तव में हर व्यक्ति की आंखों में आंसू हैं, हर युवा हर आम नागरिक दुखी है, और सबके मन में बस एक ही सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री कब लेंगे निर्णय। आज आप देख सकते हैं कितना जोश है हमारे रीवा की इन महिलाओं के अंदर, और उन्होंने ये बता दिया है कि चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, चूड़ियाँ हमारा हथियार है, चूड़ियाँ हमारा हथियार को हम लेकर और हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। चूड़ी पहनने वाली औरत कमज़ोर नहीं होती है, चूड़ी पहनने वाली औरत कमज़ोर नहीं होती है। जय हिंद।